दोस्तों वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हराने के लिए टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन समेत 5 भूखे शेरों की एंट्री करा दी है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसमें श्रेयस अय्यर समेत कई फ्लॉप खिलाड़ियों को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता भी दिखाया है। तो दोस्तों आखिर कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव किए हैं और कौन कौन से फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है और कौन कौन से खिलाड़ियों को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में मौका दिया है, और दोस्तों वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को क्या होने वाली है भारत की प्लेइंग 11, दोस्तों पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल क्रिकेट कायरप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी हर खबर की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वर्ल्ड कप से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली गई थी, जिसमें टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर सीरीज को अपने नाम कर लिया था और दोनों मुकाबलों को टीम इंडिया ने बहुत ही शानदार तरीके से जीता था। वनडे सीरीज समाप्त होने के बाद टीम इंडिया के 2 वार्म अप मुकाबले रखे गए थे। आपको बता दें कि टीम इंडिया के वर्ल्ड कप से पहले होने वाले 2 वार्म अप मुकाबले बारिश के कारण रद्द हो गए थे। दोस्तों 5 अक्टूबर यानी कि आज से वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है और 5 अक्टूबर को यानी कि आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया का वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया है। तो चलिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 पर एक नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि भारत की प्लेइंग 11 में कौन कौन से धुरंधर खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है और आखिर कैसी होने वाली है भारत की प्लेइंग 11। दोस्तों सबसे पहले वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में अगर ओपनिंग बैटल की बात करें तो यहाँ पर ओपनिंग जोड़ी में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के साथ में युवा बल्लेबाज सुमन गिल यहां पर ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में इन दोनों ही खिलाड़ियों ने काफी कमाल का प्रदर्शन किया था। और दोस्तों आपको बता दें कि वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भी रोहित शर्मा ने आखिरी मुकाबले में 81 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी और दोस्तों उसके बाद भी सुमन गिल ने कमाल का प्रदर्शन किया है। ऐसे में दोस्तों एशिया कप में भी दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के लिए काफी शानदार शुरुआत दी थी और इस समय दोनों ही खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। रोहित शर्मा और सुमन गिल इस समय कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं और वर्ल्ड कप में भी 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों ही खिलाड़ी ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों अगर यहां पर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों की बात करें तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में 3रे नंबर पर किंग कोहली खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली वनडे के काफी बेहतरीन बल्लेबाज हैं। विराट कोहली के वनडे में 47 शतक हो चुके हैं और दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में काफी कमाल की प्रदर्शन करते हैं। विराट कोहली वनडे में काफी लंबी पारी खेलते हैं, इसलिए विराट कोहली को चेस मास्टर भी कहा जाता है। ऐसे में दोस्तों वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किंग कोहली खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में 4थे नंबर की बात करें तो 4थे नंबर पर यहाँ पर केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। आपको बता दें कि केएल राहुल भी इंजरी से वापसी करने के बाद लगातार कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं और केएल राहुल इस समय काफी कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। केएल राहुल ने एशिया कप में भी काफी शानदार प्रदर्शन किया था और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज खेली गई थी उसमें भी केएल राहुल ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था। इस समय केएल राहुल काफी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में 4थे नंबर पर भारत की तरफ से प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया है। दोस्तों अगर 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर यहां पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 5वें नंबर पर यहां पर श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और कप्तान रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव को भारत की प्लेइंग 11 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शामिल कर लिया है। वैसे तो सूर्य कुमार यादव T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, लेकिन दोस्तों कुछ दिनों से सूर्य कुमार यादव वनडे में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज खेली गई थी उसमें सूर्य कुमार यादव ने 2 मैचों में 85 जड़े थे और अपनी फॉर्म में वापस आने के संकेत भी दे दिए थे।
दोस्तों सूर्य कुमार यादव काफी कमाल के बल्लेबाज हैं और मैदान के चारों तरफ चौके और छक्के लगा सकते हैं और किसी भी समय टीम इंडिया के लिए जीत दिलवा सकते हैं। ऐसे में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने 5वें नंबर पर सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। दोस्तों अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने 2 ऑलराउंडर्स को रखा है। आपको बता दें कि 6वें नंबर पर टीम इंडिया के शानदार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। दोनों ही खिलाड़ी बल्लेबाजी के साथ साथ काफी खतरनाक गेंदबाजी भी करते हैं। यहाँ पर रविंद्र जडेजा स्पिन गेंदबाजी करते हैं, वहीं पर हार्दिक पांड्या काफी कमाल की तेज गेंदबाजी करते हैं और टीम इंडिया के लिए विकेट निकाल कर देते हैं और दोनों ही खिलाड़ी समय आने पर काफी शानदार बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा भी इस समय काफी कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं, इसलिए ऑलराउंडर्स के रूप में 6वें और 7वें नंबर पर हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों अगर 8वें नंबर की बात करें तो 8वें नंबर पर यहां पर एक और बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने एक ऑलराउंडर को हटाकर यहां पर बॉलर को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया है। रोहित शर्मा ने शार्दुल ठाकुर को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया है। वहीं पर मोहम्मद शमी को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया है। शमी काफी कमाल के गेंदबाज हैं और काफी बेहतरीन यॉर्कर गेंदें फेंकते हैं और शानदार गेंदबाजी करते हैं, जिससे किसी भी बल्लेबाज के लिए रन बनाना आसान नहीं होता। ऐसे में दोस्तों 8वें नंबर पर मोहम्मद शमी खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों 9वें और 10वें नंबर की बात करें तो 9वें नंबर पर काफी कमाल के गेंदबाज मोहम्मद सिराज और 10वें नंबर पर शानदार स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने एशिया कप में काफी कमाल का प्रदर्शन किया था, जहाँ पर मोहम्मद सिराज ने एशिया कप के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट चटकाकर आधी से ज्यादा श्रीलंकाई टीम को पवेलियन भेज दिया था। वहीं पर कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में 5 विकेट चटकाए थे और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ सुपर फोर में 4 विकेट चटकाए थे और काफी कमाल का प्रदर्शन किया था। ऐसे में दोनों ही खिलाड़ी काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और इस समय टीम इंडिया के लिए 9वें और 10वें नंबर पर खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों अगर 11वें नंबर की बात करें तो यहां पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने 11वें नंबर पर यॉर्कर किंग और टीम इंडिया के मुख्य गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में रखा है। जसप्रीत बुमराह भी इस समय काफी कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। बुमराह काफी लंबे समय से बैक इंजरी की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, लेकिन बुमराह ने एशिया कप में काफी कमाल का प्रदर्शन किया था और अपनी फॉर्म में वापस आने के संकेत दे दिए थे। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि जसप्रीत बुमराह इस समय बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और इस समय टीम इंडिया के लिए काफी खतरनाक गेंदबाजी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बुमराह शुरू के और आखिरी के ओवरों में काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। शुरू के ओवरों में बुमराह नई गेंद से काफी हरकत करवाते हैं और आखिरी के ओवरों में जसप्रीत बुमराह काफी खतरनाक यॉर्कर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। जसप्रीत बुमराह शुरू के और आखिरी के ओवरों में शानदार लगातार यॉर्कर गेंदबाजी कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों ये रही वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11। दोस्तों अगर एक तरह से देखा जाए तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हार थमा दी थी और ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भारतीय टीम काफी ज्यादा भारी पड़ी थी। लेकिन अब वर्ल्ड कप में 5 बड़े बदलावों के साथ टीम इंडिया उतरने वाली है और टीम इंडिया की प्लेइंग 11 और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम जीत हासिल कर पाएगी या नहीं, आप हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।